चाहो तो वो कल वाले क्लास की रिकॉर्डिंग चैनल पे पड़ी हुई है। चलो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो लोग इस सर क्वेश्चन को पढ़ देख ले। मैंने मेरा कैलकुलेटर रेडियन मोड पे ही था, लेकिन मैंने ना उससे लाइक रेडिकल्स की फॉर्म में यूज किया था कैलकुलेटर को, डिविजन फॉर्म में, तो आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स में फर्क आ रहा था। नहीं वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियन मोड में वो किसी और रीजन की वजह से होगा। 2 × 3 करोगी तो 6 ही आएगा। एक्चुअली रेडियन का, रेडियन बेसिकली यूनिट किसकी, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगल। जो रेडियन है वो यूनिट है एंगल की, जो रेडियन होता है वो यूनिट है एंगल का, तो इसलिए बेसिकली वो एंगल ही को इफेक्ट करेगा, ट्रिग्नोमेट्री को इफेक्ट करेगा। अगर कोई स्पेसिफिक हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकती हो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट टी सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ओ, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू के कॉस 4t, वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द पार्टिकल इज फर्स्ट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। तो अब ये सवाल आसान है, क्योंकि रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी को जीरो कर दो। वेलोसिटी को जीरो करो और फिर इसको सॉल्व कर दो। तो पहला पार्ट पढ़ो, और रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी को जीरो कर दिया मैंने, के को उधर लेकर गया, कॉस इनवर्स किया, कॉस इनवर्स जीरो पाई बाय टू होता है, फिर मैंने सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई। सब लोग ये देखिएगा वर्क। ठीक है, अब आपने टी की वैल्यू देखी, टी की वैल्यू आ रही है पाई अपॉन 8। पढ़ो, एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टी सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू ओ। अब ये जरा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन है और आफ्टर पासिंग थ्रू ओ, तो अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी दी हुई है। जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करें। जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। इसमें ट्रिक ये होती है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब कॉस जो है, जो कॉस है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। मैंने बराबर में 4 लिखा है। 4 क्यों लिखा है? 4 इसलिए लिखा है क्योंकि आप जो 4 है वो साइन 4t का डेरिवेटिव है। ये वाली स्क्रीन देखें। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं आती। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट होता है।
ओके सॉरी मैं ऑपोजिट पढ़ रही थी, सॉरी। तो ये चीजें ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी आपको, वो नोट्स देखते हैं। सब लोग पार्ट बी कंप्लीट करो। देखो तीसरा पार्ट, गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 12, वेयर टी इज इक्वल टू 3π/T, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहे एक्सेलरेशन 12 है जब टी की वैल्यू भी पता है। अब तुम्हें ये आसान है क्योंकि दो वैल्यू दी हुई हैं और कह रहे के निकालो। पार्ट थ्री पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पार्ट थ्री सिंपल है, देखो पार्ट थ्री में क्या करो, ए इज इक्वल टू -4k, ए रखो 12, टी रखो, के रखो और सारी वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दो। चलो अब सब लोग अगला पार्ट पढ़ो, सब लोग अगला पार्ट पढ़ो।
चलो अब इसके बाद देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग योर वैल्यू फॉर के स्केच द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द पार्टिकल फॉर जीरो टिल पाई. ये वाला क्वेश्चन आ गया पार्ट फोर. ठीक है, अब इसको कह रहे स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है ये सिंपल कॉस का कर्व है. अभी हमें एक रिवीजन क्लास रखनी है स्केचेस पर. हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक रिवीजन पे क्लास रखी थी, अब ये अच्छा मौका है कि हम थोड़ी रिवीजन कर लें. जब भी ट्रिक का स्केच बनाना हो तो मैं हमेशा सॉरी आवाज कट रही. हाँ नहीं नहीं बस ये सही है यार, उसको कौन कैरी करेगा सिल्वर्टन, बहुत मुश्किल है वो, बिल्कुल कैजुअल है वहाँ सारा कुछ. तो हाँ तो अच्छा लगेगा यार, मेरे लिए सही है जान, मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है ना वो, मैनेज करना मुश्किल है, मैं नहीं कर पाता ना भाई. देखें अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जब स्केचेस बनते हैं तो उनमें किन चीजों का ख्याल रखना होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती है, एम्पलीट्यूड निकालना होता है, और वर्चुअल एक्सिस चाहिए होता है, नंबर ऑफ साइकल्स और फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है. तो बेसिकली जब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का स्केच बनाने को मिले तो तुम ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि एक दो तीन चार, ट्रिग्नोमेट्री का स्केच बनाने के लिए ये चार चीजों की जरूरत हमेशा होती है. आप लोग ये नोट्स में आके कॉपी कर लो, सब लोग नोट्स में आके कॉपी कर लो. सर आपने अभी कहा कि ये कॉस का कर्व है, हाउ डू यू गेट टू नो दिस इज अ कॉस कर्व, बिकॉज़ हमने डिफरेंशिएट करके साइन लिखा. जब डिफरेंशिएट कर दिया तो वो एक्सेलरेशन बन गया ना. आप क्वेश्चन पढ़ोगी ना, क्वेश्चन सामने रखो, वो कहता है मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दो. तो जब वेलोसिटी की इक्वेशन देखोगी तो उसमें कॉस है. ओके सर, व्हाट इज वर्चुअल एक्सिस? जब हम अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ग्राफ बनते हैं तो इसके बीच में आता है जो ठीक है. अब जरा देखो कि हम इसको किस तरह इलाबोरेट करते हैं, मतलब हमारी इलाबोरेशन कैसे होती है. देखो जब तुम्हें पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी में कॉस आ गया, हमें के की वैल्यू तो मिल चुकी है. सब लोग गौर से समझना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के स्केचेस में हमें पहले भी मसला हुआ था, हमें इस पर एक क्लास वैसे रखनी है क्योंकि ये टॉपिक ज़रा चैलेंजिंग होता है. देखो कॉस या साइन से बिल्कुल पहले जो नंबर होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो नंबर होता है ना एंगल के अंदर, ये नंबर,
ये नंबर बताता है कि हाउ मेनी साइकल्स इन 2π. 2π का मतलब होता है 360 डिग्री. अब अगर 2π में 4 साइकिल हैं तो हमें डोमेन दिया हुआ है 0 से π तक का, तो इसका मतलब देर वुड बी 2 साइकल्स इन π. मैक्सिमम और मिनिमम मैंने उस दिन बताया था कैसे निकालते हैं. एक मर्तबा कॉस का पूरा फंक्शन लेकर उसमें 1 कर दो, एक मर्तबा कॉस के फंक्शन में -1 कर दो. अब एक बच्चे ने पूछा था वर्चुअल एक्सिस क्या होता है. एक्चुअली जब ग्राफ बनते हैं ना तो उनकी एक मैक्सिमम होती है, एक मिनिमम होती है, उनके बिल्कुल बीच में जो नंबर आता है वो नंबर कहलाता है वर्चुअल एक्सिस. वो निकलता कैसे, मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, जस्ट लाइक मिड पॉइंट. तो ये वाली अब स्क्रीन आराम से समझ के कॉपी करिएगा, फिर हम इसका ग्राफ चेक करेंगे. चलिए, जो आपने सारे वर्किंग दिखाई है ये पेपर में दिखानी होगी. हाँ बिल्कुल, स्केचेस में तो नॉर्मली स्केच होते हैं ना. नहीं, स्केचेस में आपको वर्किंग बेसिक मैक्सिमम मिनिमम की वर्किंग तो लाजमी दिखानी होती है. वो असल में आजकल क्या होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड वगैरह है ना ये खुद ऊपर पूछ लेता है. जब तुम इसके पास पेपर क्वेश्चन देखोगी ना तो अक्सर क्या होता है कि पहले पार्ट में पूछता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड, दूसरे पार्ट में पूछता है व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम, और फिर कहता है ड्रॉ करो, तो वो खुद ही कवर हो जाता है. सब लोग ये वर्किंग कॉपी करिएगा. आपकी आवाज नहीं आ रही सही. नहीं सॉरी, आवाज रेजोनेट कर रही है, तो आप या तो रिपीट कर दो या मुझे चैट पे लिख के भेज दो प्लीज. नहीं रियली सॉरी, वो आवाज बहुत खराब हो रही है, कट रही है बुरी तरह. अब या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि आपका क्वेश्चन क्या है, और ये तो जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसी में दोबारा करवा लूंगा. अभी इस वक्त तो नहीं जाते इस पर क्योंकि फिर वो सबको याद नहीं आएगा. वो एक फॉर्मूला होता है साइन AX+B+C, वो एक टेम्पलेट है बेसिकली, उसको लिखकर हम सारी चीजें निकालते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं कहते उसको, टेम्पलेट है. तो अभी इसको जाने देते हैं. देखो अब y=0 का मतलब है एक्स एक्सिस. तो ये जो आपका वर्चुअल एक्सिस निकला है ये असल में एक्स एक्सिस है. तो ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें. देखिए वो पहले इस बात को समझे ना कि असल में जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ जो ट्रिग्नोमेट्री स्केच होता है वो वाई एक्सिस पर भी मूव करता है, एक्स पे भी मूव करता है. ये जो मैक्सिमम लिखा हुआ है 3 और मिनिमम, ये दोनों होते ही वाई एक्सिस के है ना. 3 भी वाई एक्सिस पे जाएगा और -3 भी एक्स एक्सिस पे जाएगा, तो जाहिर है फिर उसका जो बीच वाली वैल्यू वो भी उसी पे जाएगी. मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ बिलोंग्स टू वाई एक्सिस. देखो आप सब लोग एक्सेस प्रिपेयर करो.
ठीक है, अब आपने ये ग्रिड बना ली, अब आप इसमें ग्राफ को फिट करो नीटली। देखो अब ये जो ग्राफ है ये ऐसे आएगा, यहां तक एक साइकिल है और गौर से देखिएगा पाए तक दो साइकिल है। अब मुझे कैसे पता पाए तक दो साइकिल है, क्योंकि ये मेरी वर्किंग है। ग्राफ ऊपर गया थ्री तक, नीचे आया माइनस थ्री तक, ये मैक्सिमम और मिनिमम है। पर से आपका ग्राफ तो पाई 0.2 को कट भी नहीं कर रहा, पाई को भी कट नहीं कर रहा। ये कॉस का ग्राफ है ना, जो कॉस का ग्राफ होता है वो अपने टर्मिनल पर ऊपर होता है। इसको देखो ना शुरू कहां से हुआ, ये ऊपर से आया। इसका ये जरूरी थोड़ी कि पाई बाई टू को कट करे, पाई बाई टू तो पाई का हाफ है। ये ग्राफ की शेप देखो ना, जैसे नीचे आया आधा हो गया यहाँ तक। असल चीज तो ये देखो ना कि क्या ये ग्राफ आधा हुआ यहाँ तक, जितना एक साइकिल पूरा हो गया, यहां से यहां तक दूसरा साइकिल आ गया। ग्राफ के कट करने का ताल्लुक उसकी शेप से नहीं होता, वो तो इंटरसेप्ट होता है। अगर आप कॉस 4t में जाकर पाई बाई टू रखोगी तो ग्राफ एक्सिस पे नहीं आएगा। सब लोग इसको नीटली कॉपी करिएगा। दोबारा यहाँ देख लें, यहाँ लिखा हुआ है 4t, ये जो नंबर होता है 4, इसका मतलब होता है इतने साइकिल्स होंगे 2π में। सवाल में मुझे दिया हुआ है 0 till π, तो दो साइकिल होंगे। कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये एकदम समझ आ जाए। अभी हम इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास स्पेशली ग्राफ के लिए करेंगे, उसमें इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक रिविजन क्लास की थी बट उसमें स्केच कवर नहीं हो गया। सर आपको ये कैसे पता चला कि पाई अपॉन टू मिडल ऑफ द टू वेव से क्रॉस कर रहा है? मैं अगर कैलकुलेटर में पाई बाय टू डाल रही हूँ तो वैल्यू जीरो आ रही है। आप यहाँ डालें ना, देखिए इक्वेशन क्या है, थ्री कॉस फोर, देखिए फोर भी तो रखे साथ, आप फोर तो लिखें, आप लिखे कॉस 90 होता है, थ्री जीरो जीरो। थ्री तो पीछे है ना, आप फोर 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 इंक्लूड कर रही हैं, फोर इंक्लूड करो, फोर इंटू पाई बाई टू करो, पहले टी की जगह पाई बाई टू रखोगी ना आप। पहले ये नोट करो कि जब आप सॉल्व कर रही हो तो आपको लिखना है थ्री कॉस ब्रैकेट ओपन फोर इंटू पाई अपॉन टू, ये कैलकुलेशन है। देखो अब बताओ फोर इंटू पाई बाई टू करोगी तो क्या आएगा? 6.2 है। नहीं, अरे काट दो, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 4 और 2 काट दो, पाई बाय 2 आ जाएगा 90। नहीं बेटा 4 ऊपर है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, काटोगी तो ऊपर 2 बचेगा ना, 2 पाई। अब कैलकुलेटर cos 2 पाई रखो, cos 2 पाई One. Good. अब 1 into 3. Okay sir. ठीक है. Three. तो आप पाई बाय टू रखोगी तो आप देखोगी कि यहाँ पर आ रहा है 3. चलें. अब हम इसको प्रोसीड करते हैं. ये डिस्कशन जो ग्राफ की है, हमें हमने कहा था कि हम एक स्पेशल क्लास इसके लिए रखेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमें सही करना है. अच्छा देखो, यूजिंग योर वैल्यू फॉर केस स्केच हो गया. Find the displacement of the particle from O when t is equal to pi upon 24. ये सवाल पढ़े, इसके दे रहा है 4 marks. 4 marks काफी ज्यादा होते हैं. अब जरा इसको पढ़ के देखें कि सवाल में करना क्या है.
सर वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, और अगर जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी के जीरो के इक्वल नहीं हुई तो टर्निंग पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट ने टर्निंग पॉइंट नहीं लिया है, और अगर ये ग्रेटर देन हुई तो टर्निंग पॉइंट लिया होगा। हाँ देखिए, देखो आपने पहले इस बात को याद रखो कि यू टर्न या टर्निंग पॉइंट का जो मसला है वो आता है डिस्टेंस ट्रेवल में। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है बल्कि ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ। तो आपको यहाँ यू टर्न का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यू टर्न कब इन्वॉल्व होता है? जब आपका सवाल में कहता है डिस्टेंस ट्रेवल। अब सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो एक्स आएगा, कॉस को इंटीग्रेट करें तो साइन आ जाएगा, अपॉन फोर हो गया। इसको कट करें, इक्वेशन बन गई एक्स जीरो टी जीरो सी क्वेश्चन मार्क। सी को आप सॉल्व करेंगे जीरो निकलेगा, सी वापस रख दें और फिर इक्वेशन में जाकर ये टी की वैल्यू रखें और फिर इसको सॉल्व करें आराम से। पहले इंटीग्रेट होगा,
चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 नवंबर 08 पेपर 2 12 ये वाला ईयर नंबर निकालें। ईयर नंबर नोट कर लें। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट टी सेकेंड आफ्टर पासिंग अ फिक्स पॉइंट ओ इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। गिवन दैट इट्स स्पीड एट ओ इज 16 find the values of t at which the particle is a stationary। सर ये हम खुद ट्राई करें सर आप। हाँ बिल्कुल आप शुरू कर दें। The value of t at which the particle is stationary. Stationary का मतलब होता है, stationary का मतलब है velocity zero कर दो, लेकिन ये तो acceleration दिया हुआ है। Acceleration को integrate करो, velocity आएगी, velocity को zero करके फिर t निकाल लो। देखो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी की इक्वेशन बनी और वेलोसिटी की इक्वेशन में जाकर वी को 16 रखो, टी को 0 करो और सी निकाल लो। पहले इंटीग्रेट कर लो और फिर ये डेटा डालो उसमें।
अब इसमें वी सिक्सटीन है, टी जीरो करें, अगर आप इसमें वी सिक्सटीन करके टी जीरो करें तो मेरे पास सी आ रहा है सिक्सटीन, सी वापस पुट कर दें। फिर उसने कहा था रेस्ट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो करके फिर आप इस इक्वेशन में डालेंगे और टू कॉमन लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फैक्टराइज कर लें और टी की दो वैल्यूज निकाल लें। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द फिफ्थ सेकेंड, पांचवें सेकेंड के दौरान। अब ये कैसे करें, देखो पहले ऐसा करते हैं कि आप वेलोसिटी की इक्वेशन को लिखें, उसको इंटीग्रेट करें, x बनाएं, x की इक्वेशन बन गई। जब x की इक्वेशन बन गई तो उसमें c आ गया, x जीरो t जीरो c निकाल लें, सी निकल आया। अब उसको रखकर इक्वेशन बना लें, चेक फॉर यू टर्न बिटवीन टी फोर एंड टी फाइव। असल में जब सवाल में लफ्ज इस्तेमाल होता है डिस्टेंस, तब आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं यू टर्न तो नहीं है। पहले इंटीग्रेट करें, एक्स डिस्प्लेसमेंट आएगा, सी जीरो कर दें, फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जाएं, एक्स निकाल लें। Thank you.
अब यू टर्न कैसे चेक करते हैं? फॉर यू टर्न वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं, ये इक्वेशन देखो लिखी हुई है ना, वेलोसिटी को जीरो करो तो टी की दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, एक फोर और एक टू, ये आपने देखा होगा पिछले पार्ट में निकली थी ना, देखो आपके पास जीरो वेलोसिटी पे दो वैल्यूज आ रही है, फोर और टू, तो आप वहीं से ये वैल्यूज दोबारा यहाँ रख दो, वेलोसिटी जीरो पे टी की दो वैल्यूज है वो यहाँ कॉपी कर लो, चलो अब इसमें यू टर्न तो रेंज में नहीं आ रहा, तो बस आप क्या करो कि अब इसमें यू टर्न नहीं है तो टी इज इक्वल टू फोर और टी इज इक्वल टू फाइव पे जाओ, यू टर्न तो हमें तो टी फाइव को कवर करना है, फोर टू फाइव, तो अब चूंकि यू टर्न नहीं है तो हम क्या करते हैं, अच्छा पहले ये कॉपी कर लीजिएगा ऐसे, नो यू टर्न बिटवीन फोर एंड फाइव, टी फाइव पर एक्स निकालें, टी फोर पे एक्स निकालें और दोनों एक्स की वैल्यूज को माइनस कर दें,
ये वाली वर्किंग शेयर करें। सर माइनस 2.6 आ रहे। नहीं, वो बड़ा नंबर और छोटा नंबर का फर्क, मतलब पहले बड़ा नंबर रखो, डिस्टेंस है ना, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो 2.63 मीटर आएगा। इसको सब लोग कंप्लीट कर लें, आज का काम, आज का काम हम यहीं तक रोक रहे हैं। हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी कंटिन्यू करेंगे, आज का काम यहीं तक है। सर जी, सर वो एक चीज समझ नहीं आती, वो यू टर्न का सर मतलब नो यू टर्न कब होता है सर, समझ नहीं आ। यू टर्न का देखो, यू टर्न का मतलब पता क्या होता है, जैसे तुम एक रोड फिजिक्स में या मैथ्स में यू टर्न का मतलब ये होता है कि तुम एक रोड पे जा रहे हो, तुमने गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी को उसी रोड पे वापस ले आया, इसको फिजिक्स कहती है यू टर्न। यू टर्न का पता कैसे चलता है कि तुम वेलोसिटी को जीरो करो, जाहिर रुकोगे तभी यू टर्न लगेगा ना फिजिक्स वाला, तुम वेलोसिटी को जीरो करो और टी की वैल्यू निकालो। अगर वेलोसिटी जीरो पे टी निकल आए तो उसका मतलब होगा कि यू टर्न है, और अगर टी ना निकले, उस रेंज के अंदर टी ना निकले, तो उसका मतलब होगा कि यू टर्न नहीं है। यू टर्न का मतलब है आप एक रोड पे जा रहे हो, आप रुके, आपने गाड़ी, सर मुझे एक और बात समझ, आप पूछे। सर मुझे एक और बात समझ नहीं आती कि जब भी हमें यू टर्न चेक करना होता है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इन द फिफ्थ सेकंड का भी पार्ट हो, तो हमेशा टी इक्वल्स टू 4 या टी इक्वल्स टू 5 में क्यों नहीं ऐसा करते हैं? ये तो इस टी इक्वल्स टू 5 तो समझ, टी इक्वल्स टू 4 तो पार्ट में, वो तो लिखा हुआ है ना फिफ्थ सेकंड, पांचवा फोर कहा था कि इन फिफ्थ सेकंड। हाँ तो फिफ्थ सेकंड कैसे बनाओगे जी, तो इफ टी इक्वल्स टू 4 कहां से आया? ये तो पूछ रहा हूँ कि आप सोचो ना, पांचवा सेकंड, पांचवा सेकंड कहां से कहां तक होगा? अगर आप 9 बजे क्लास शुरू करें तो 9 से 10 एक घंटा हो गया, तो आप यही कहेंगे ना 9 to 10 वन आवर। सर लेकिन क्वेश्चन में तो आपने सिर्फ 5 सेकंड मेंशन किया था, आपने 4 कैसे डिड्यूस किया? ये तो पूछ रहा हूँ कि आप देखो लिखा है ये t is equal to 5 नहीं है, पांचवा सेकंड है। इसको आप लेंथ, इसको आप ग्रामेटिकली सोचो ना, 5th सेकंड यानी आप एक रेस करते हो, तो पांचवें सेकंड का मतलब 5 सेकंड नहीं है। दो लैंग्वेज होती है, एक होती है 5 सेकंड, एक होता है 5th सेकंड। 5th सेकंड का मतलब है t is equal to 4 से t is equal to 5। अगर 6th होता तो उसका मतलब होता पांचवें। अब आप कहती हो कि मैं क्लास 9th में हूँ सपोज, तो ये बताओ क्लास 9th का मतलब क्या है? क्लास 9th का मतलब है क्लास 8 और क्लास 10 के बीच में, यही होता है ना मतलब। आप कहते हो मैं क्लास 11th में हूं, तो इसका मतलब है क्लास इज इक्वल टू 10 एंड क्लास इज इक्वल टू 11, इसी के बीच में 11 चलती है। अब एक बच्चा कहता है कि मैं 20 इयर्स का हूं, 20th ईयर का हूं, अब ये दोनों में फर्क है ना। 20th ईयर का मतलब क्या होगा? हम कहते हैं 5th ईयर ऑफ एजुकेशन, 5th ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब है ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5 के बीच में, यही होता है ना, सेमेस्टर होते हैं, ईयर होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जब लिखते हैं ना 5th सेकंड, तो उसके पीछे वाला नंबर होता है 4, इसका मतलब होता है 4 से लेकर 5 तक। तो जब आप 4 से 5 तक जाओगे तो उसको कहोगे 5th सेकंड। सो सर अगर आता क्वेश्चन ये आवाज बिल्कुल बेटा, आवाज बहुत कट रही है, सेकंड तो हम यूटर्न को चेक नहीं, यूटर्न एक अलग इशू है। देखो पहले तो ये समझ लो ना कि सवाल में यूटर्न तो आप चेक करते हैं डिस्टेंस के लिए, उसका 5th सेकंड से कोई ताल्लुक नहीं है। यूटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी फारिस आई थिंक पूछ रहे थे, वो होता है डिस्टेंस के साथ, इसके साथ है। ये जो 5th सेकंड है, इसका यूटर्न से कोई मसला नहीं है। यूटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप चेक कर लेते हो, लेकिन यूटर्न चेक करते हैं इस लफ्ज पे, डिस्टेंस ट्रेवल पे। पांचवें सेकंड के दौरान यू टर्न हुआ, यानी ये अलग इशू है। जो एक और बच्चे ने सवाल पूछा था कि 5th सेकंड में 4 क्यों लिया, तो वो मैंने उसका जवाब दिया था कि वो उसका पिछला नंबर है। तो जब आप कहते हैं कि मैं क्लास 10th में हूं, तो उसका मतलब है क्लास 9 से लेकर क्लास 10 का ड्यूरेशन है। जो यू टर्न है, जो एक और बच्चे ने पूछा था, अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन आता कि डिस्टेंस ट्रैवल,
डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना होता इन द 7 सेकंड. सो क्या 6 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में निकालते हैं क्या? बिल्कुल, फिर आप यही करती हैं कि आप चेक कर लेती हैं कि 6 और 7 के बीच में यू टर्न तो नहीं है. बिल्कुल उस वक्त ऐसा ही करेंगे. सही है, बिल्कुल सही कह रही. जो आप और अगर यू टर्न निकल आए तो क्या करते हैं? वो फिर आपको नोट्स देखने पड़ेंगे ना. उसमें याद है एक टेबल बनाते हैं जो मैंने आपको सिखाया था सबको. एक टेबल बनाते हैं, वो नोट्स में टेबल बनता है, उससे एक नंबर लाइन बनती है. हम इसको यहाँ तक रोक रहे हैं और फिर इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं.